नमस्कार, मैं कुणाल दे और आप देख रहे हैं आपता आयुर्वेद क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लेके आए कॉलेज सीरीज के एक नए वीडियो, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे डॉक्टर सर्वापल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के बारे में। ये कॉलेज आपके स्थित है जोधपुर राजस्थान में और ये राजस्थान के फर्स्ट आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है और इंडिया के दूसरे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। ये कॉलेज आपके एस्टेब्लिश हुए थे राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर 2002 में। इस कॉलेज के दो कैंपस हैं, जिसमें एक है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ आयुर्वेद कड़वाद कैंपस जो जोधपुर में है और दूसरे है डीए एंड पी ट्रेनिंग सेंटर्स जो है आपके पुंजला कैंपस में। और ये कॉलेज कैंपस, अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ये आपके 322 एकर्स ऑफ लैंड में फैले हुए हैं। इसके जो करंट डीन है वो है डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा एंड जो प्रिंसिपल है वो है आपके डॉक्टर गोविंद सह शुक्ला। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इस कॉलेज के बारे में कि क्या कोर्सेस आपके यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसमें सबसे जो पहले कोर्स आते हैं वो है आपके बीएमएस के कोर्स। जो भी नीट के बच्चे हैं जो आप बीएमएस में जाना चाह रहे हैं तो ये कॉलेज आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें आपके 4.5 प्लस 1 ईयर के इंटर्नशिप के साथ कंप्लीट बीएमएस कोर्स मिलते हैं और इसमें आपके फीस है पर ईयर 90,000 करके। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल ईयर जो 1.5 ईयर्स के हैं तो इसमें आपके 90,000 करके फ़ी है और फाइनल ईयर के लास्ट 6 मंथ्स के लिए 45,000 का फ़ी है। इसमें आपका टोटल अंडर ग्रेजुएशन के लिए बीएमएस करने के लिए आपके टोटल सीट्स है 125 टोटल सीट्स है। इसमें हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। हॉस्टल का जो फ़ी है वो पर ईयर 18,000 है। तो कंप्लीट ईयर के लिए हॉस्टल जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए प्रेजेंट है वो 18,000 रुपीज़ है। और जैसे मैंने बताया कि यूजी में सीट्स आपके 125,000 है और बीएमएस का फ़ी पर ईयर 90,000 करके है और फाइनल ईयर के लिए 90,000 एंड 45,000 क्योंकि वो 1.5 ईयर के कोर्स है। अगर हम इसके आगे चलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है। जैसे आपके पहले हो गए काया चिकित्सा, फिर शल्य तंत्र, द्रव्यगुण विज्ञान, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कोमारभृत, रसशास्त्र एवं वेशज कल्पना, फिर आपके अगत तंत्र, क्रिया शरीर, रचना शरीर, स्वास्थ्यभृत एवं योग। ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपके पर डिपार्टमेंट 6 सीट्स करके अवेलेबल है। यानी काया चिकित्सा में 6 सीट्स, शल्य तंत्र में 6, द्रव्यगुण विज्ञान में भी 6 सीट्स, पंचकर्मा में 6, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में आपके 6 सीट्स है, कुमारभृत में 6, रसशास्त्र एवं वेशज कल्पना में 6 सीट्स, क्रिया शरीर में 6 सीट, अगत तंत्र में 6, रचना शरीर में 6 एंड श्वासभृत एंड एवं योग में भी 6 सीट्स है। कोई भी स्टूडेंट अगर एआईपीजीटी दिए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। जो एआईपीजीटी देने के बाद इसमें हर डिपार्टमेंट में 6 सीट्स अवेलेबल है और इसमें जो पर ईयर स्टाइपेंड है वो है आपके फर्स्ट ईयर में 50,000 के पर मंथ, सेकेंड ईयर में पर मंथ 52,000 करके हैं एंड थर्ड ईयर में स्टाइपेंड पर मंथ 55,000 करके हैं। यानी एवरेज में अगर हम लोग देखें तो 50,000 to 55,000 पर मंथ के स्टाइपेंड है पीजी करने के लिए। उसके अलावा इस कॉलेज में और भी बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं करने के लिए, जैसे बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग हो गए, यह आपका 4 ईयर का कंप्लीट कोर्स, फिर डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी कर सकते हैं आप, फिर आप डी फार्मा कर सकते हैं जो कि 2 ईयर्स के कोर्स है, फिर और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस है। जो भी बीएमएस या पीजी करने के बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स है, अगर आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स भी करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में अवेलेबल है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्मा है 3 मंथ्स के लिए, कोर्स इन शार सूत्र है 3 मंथ्स के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन गेरियाट्रिक्स है 3 मंथ्स के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्मा टेक्निकल असिस्टेंट का 1 ईयर का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन योग एंड नेचुरोपैथी के लिए है 1 ईयर का कोर्स, फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑस्टियोपैथी एंड मर्म चिकित्सा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है 1 ईयर का कोर्स। तो बहुत सारे बीएमएस हो गए, पीजी हो गए, आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीएचडी के लिए भी कोर्सेस मिलेंगे करने के लिए। ये तो हो गया आपका कॉलेज के बाद। इसके अलावा इसके जो हॉस्पिटल है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इसमें ओपीडी आईपीडी दोनों अवेलेबल है। ओपीडी में आपके अगर हम लोग बात करें कौन कौन से डिपार्टमेंट में है,
तो काया चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शलक्य नेत्र, शलक्य मुख, नाक, नासा, दंत अवेलेबल है। प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग के लिए ओपीडी है। कुमारभृत, स्वास्थ्यभृत एंड अत्यायिक चिकित्सा के लिए भी आपके डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है फॉर ओपीडी। और आईपीडी की अगर बात करें तो काया चिकित्सा हो गए, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग एंड कुमारभृत के लिए अवेलेबल है। तो अगर आईपीडी की बात करें तो काया चिकित्सा के लिए भी अवेलेबल है, शलक के लिए भी है, शल्य के लिए भी है, आपके पंचकर्मा हो गए, प्रसूति तंत्र एंड कुमारभृत। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपके आईपीडी भी मिल जाएंगे और जो मैंने पहले भी बताया कि ओपीडी के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है। तो अगर हम लोग बात करें इस कॉलेज के बारे में तो यहाँ पे आपका बीएमएस हो गए जो कि 125 सीट्स के साथ है, पीजी भी अवेलेबल है। और दूसरा चीज़ जो रह गया था मैं बोलने के लिए, पीजी के लिए आपका फ़ी है पर ईयर 2 लाख करके, 2 लाख पर ईयर फ़ी है आपका पीजी के लिए। और स्टाइपेंड तो मैंने जैसे बताया था कि पर मंथ आपके 50 to 55 thousand करके पर मंथ का स्टाइपेंड है। तो ये कॉलेज आपके जोधपुर में और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। जो भी बच्चे नीट के थ्रू या फिर आईपीजीटी के थ्रू अगर आप यूजी या फिर पीजी या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग इस कॉलेज को ले सकते हैं। तो ये रहा आज का कॉलेज सीरीज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।